Don't forget to click on bell icon to get all latest updates. बॉलीवुड एक्ट्रेस मधुबाला की आज 27वीं जयंती है। मधुबाला की फिल्म मुगले आजम के अनारकली के कैरेक्टर ने उनकी दीवानगी को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। मधुबाला को बॉलीवुड की मर्लिन मुनरो भी कहा जाता है। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में हुआ था। 14 फरवरी के दिन ही देश दुनिया में वैलेंटाइन डे का जश्न मनाया जा रहा है और इसी दिन उनका जन्म हुआ था। मधुबाला के बचपन का नाम मुमताज जहां दहलवी था। इनके पिता का नाम अता उल्लाह और माता का नाम आयशा बेगम था। 14 फरवरी यानी वैलेंटाइंस डे के दिन जन्मी मधुबाला के बारे में कुछ खास बातें जानते हैं। वैलेंटाइंस डे वाले दिन जन्मी मधुबाला के हर अंदाज में प्यार झलकता था। उनके बचपन से ही सिनेमा में काम करने की तमन्ना थी। मुमताज ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत वर्ष 1942 की फिल्म पसंद से की थी। मधुबाला के अभिनय को देखकर उस समय की जानी मानी अभिनेत्री देविका रानी बहुत प्रभावित हुई और मुमताज जेहान दहलवी को अपना नाम बदलकर मधुबाला के नाम रखने की सलाह दी। 1947 में आई फिल्म नीलकमल मुमताज के नाम से उनकी आखिरी फिल्म थी। इसके बाद से वो मधुबाला के नाम से जानी जाने लगी। इस फिल्म में महज 14 वर्ष की मधुबाला ने राजकुमार के साथ काम किया। नीलकमल में अभिनय के बाद से मधुबाला सिनेमा की सौंदर्य देवी कहानी जाने लगी। इसके 2 साल बाद मधुबाला ने बॉम्बे टॉकीज की फिल्म महल में अभिनय किया और फिल्म की सफलता के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कई फिल्में फ्लॉप होने के बाद 1958 में उन्होंने एक बार फिर अपनी प्रतिभा को साबित किया और उसी साल उन्होंने भारतीय सिनेमा को फागुन, हावड़ा ब्रिज, काला पानी और चलती का नाम गाड़ी जैसे सुपरहिट फिल्में दी। 1969 में अपना 36वां जन्मदिन मनाने के 9 दिन बाद 23 फरवरी 1969 को बेपनाह हुस्न की मलिका दुनिया को छोड़कर चली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड अपडेटेड बॉलीवुड न्यूज प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री यूट्यूब चैनल।